उमेश पाल हत्याकांड में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। इस दौरान हत्या की वजह सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि धूमनगंज में करोड़ों की जमीन के एवज में उमेश पाल से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी किसी और ने नहीं बल्कि अतीक अहमद के गुर्गों ने मांगी थी। दरअसल 24 अगस्त 2022 को उमेश पाल ने धूमनगंज थाने में अतीक के 5 गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। FIR में खालिद जफर, मोहम्मद मुस्लिम, दिलीप कुशवाहा और अबू साद को नामजद किया गया था। इनमें खालिद जफर वही शख्स था जो असलहों से लैस होकर उमेश पाल की जमीन पर कब्जा करने के लिए पहुंचा था। वहीं उमेश पाल को धमकाते हुए अतीक के गुर्गों ने कहा था कि अतीक भाई का आदेश है कि पहले 1 करोड़ दे दो वरना इस जमीन को भूल जाओ, अगर 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मारा जाएगा। वहीं उमेश पाल ने रंगदारी देने के बजाय पुलिस को रुख किया और FIR दर्ज करवा दी थी। इससे साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद नाराज हो गया था। उमेश पाल की इस नाफरमानी को बताने के लिए अतीक के 2 गुर्गे साबरमती जेल में मिलने गए थे और वहीं से उन्हें उमेश पाल की हत्या का इशारा मिला था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।